नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष और वास्तु की सीरीज में। दर्शकों, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, किन चीजों का रखो ध्यान, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कलश स्थापना के लिए एक लोटे में जल भर के उसमें एक सिक्का डाल के, एक फूल डाल के और एक मिष्ठान डाल करके उसमें आप उसके ऊपर पूजा वाला नारियल रखिए और चुन्नी से लपेट दें, तो आपकी कलश स्थापना होगी। अब इसमें किन चीजों का प्रकाशन रखना है, बहुत से लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज क्यों बंद करें। दर्शकों, लहसुन प्याज के अंदर काम वासना को बढ़ाने वाली शक्ति होती है और हमें इन दिनों में सात्विक रहना होता है, संयम से रहना होता है और एक प्रिकॉशन लेकर के रहना होता है। हम किसी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करते जो शारीरिक के ऐसे बल को बढ़ाए जो वासना युक्त हो, इसका ये वैज्ञानिक अर्थ है। और लहसुन प्याज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप में औषधि है, मगर वो औषधि के साथ साथ एक काम वासना को इनहेंस भी करती है, इसलिए हम इसका और नॉनवेज का अल्कोहल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब देवी पूजन करें तो सात्विक तरीके से करें। एक आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप पूजा विधि के लिए जो सामान लेकर, जो सामग्री लेकर के आते हो, वो अच्छी लेकर के आए, चाहे वो बिंदी है, वो लिपस्टिक है, वो सिंदूर है, वो चूड़ियां है, वो चुनरी है, आदि कुछ भी है। जब आप घर में आप नववधू लेके आते हैं या अपने घर में अपने किसी बेटी की शादी करनी होती, देवी की शादी करनी होती, कितने अच्छे अच्छे सामान लेके आते हो। जब देवी पूजन करना है तो फिर बड़ा सामान क्यों? एक चीज, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना ही लेकर आए और उसको व्यर्थ ना करें, उसको ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको उसको पीपल पे फेंक आते हुए जाके कि पंडित जी जलप्रवाह कर देंगे, ऐसा ना करें। उसे किसी जरूरतमंद कन्या को, किसी स्त्री को, किसी लड़की को दान में दे दें ताकि उसके वो काम में आ जाए, उसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, बहुत से पुरुष लोग ऐसे हैं जो स्त्री प्रेम से आज भी वंचित हैं, किसी की शादी नहीं होती, जिसकी शादी है उसकी अपनी मियां बीवी के साथ नहीं बनती। दर्शकों, इस दिन कोशिश करें, चाहे कुछ हो जाए आप अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें, चाहे छुपकर ही सही पूजा करें, इस पूजा को इस विधि से करें कि आपको अपनी ही स्त्री से प्रेम मिल जाए, आपके घर का माहौल ठीक हो जाए, आपके प्रति और उसके प्रति, आपका आपका प्रति उसके, जो एक मन मुटाव का जो माहौल बना रहता है वो स्वतः ही चेंज हो जाए। क्योंकि जब देवी की कृपा होगी तो घर की देवी तो अपने आप शांत हो ही जाएगी। देवी की पूजा करने लगे हो, देवी की पूजा से आपको उस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए जिस चीज के लिए आप तड़पते हो, ताकि झगड़ा ना हो। सबसे बड़ा है कि घर की गृहिणी का आपको प्रेम मिले, आपको स्त्री का प्रेम। मैं बात कर रहा हूँ इसी नवरात्रि पूजा की। सुबह शाम माँ से प्रार्थना करें कि जो मेरे घर का माहौल, जो ये स्त्री का माहौल नहीं मिलता है, वो मुझे मिले। इसके लिए आप क्या कर सकते, छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जो छोटी छोटी गरीब कन्याएं होती हैं उन्हें सुहाग का सामान बांटे, उन्हें श्रृंगार का सामान बांटे, माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के सुहाग का जो सामान है वो अर्पित करें, किसी गरीब कन्या को भोजन करवाएं और जाकर के गाय की सेवा करें, क्योंकि गाय शुक्र का कारक होता है। इन दिनों में जब आप शुक्र की पूजा करोगे तो आपके घर में स्त्री का माहौल जो है वो सुधर जाएगा। एक विशेष जानकारी दोस्तों, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले के दो व्रत या आखिरी के दो व्रत रखते हैं, जो बीच का समय होता है ना उसमें सात्विकपन को छोड़ देते हैं, या तो भक्षण कर लेते हैं या अपने सात्विकपन को भंग कर लेते हैं। उस पूरे टाइम के अंदर अंदर आप किसी भी तरह पति पत्नी का सेवन ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि देवी पूजन है, ये वैष्णव पूजन है, इसे समझने की कोशिश करें। पूरा वर्ष भर हम किस चीज़ की प्रिकॉशन नहीं करते, कम से कम इन 10 दिन में, 9 दिन में इस चीज़ का पालन जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सात्विक रहने से ही जो शक्ति प्राप्त होगी, जो सिद्धि प्राप्त होगी, जो फल प्राप्त होगा, वो उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो इन बातों का आपको रखना होगा विशेष ख्याल। और कैसे अब 9 नवरात्रों को का पालन करें, उसमें क्या होंगे उपाय, मेरी अगली वीडियो में देखें इसे, क्योंकि 9 दिन की जो सीरीज होगी ये हमारी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।